हेलो गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फेंटासी ट्रिक दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएसएल के अगले मैच की जो कि खेला जाने वाला है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में और ये मैच होगा मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी के बीच में ये मैच शाम को सेम टाइम पे होगा जिस टाइम पे एक वर्ल्ड कप का मैच है यानी कि साढ़े बजे अब देखना यह है कि क्या इसको एक्सटेंड किया जाता है या नहीं किया जाता है चूंकि ये कहीं भी ब्रॉडकास्ट है नहीं इंडिया के अंदर इसलिए ये सेम टाइम पर ही मतलब कि हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच में भी इसी तरीके से हुआ था मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा आज के इस मैच में क्या रहने वाला है परफेक्ट प्लेइंग दोनों टीम का क्योंकि क्या अपडेट आते रहते हैं वो सारी चीजें अब एक, एक दोनों के सामने होंगे किन के परफॉर्मेंस कर आएंगे किनको कैप्टन बनाना चाहिए किन को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए अच्छा सुल्तान की टीम अगर मुल्तान सुल्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो मुल्तान सुल्तान की टीम से कितने प्लेयर आपको

सुल्तान के जो टॉप ऑर्डर है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉग नजर आएंगे एज ऑफ नाउ और उसके बॉलर भी काफी विकेट टेकिंग नेचर के नजर आएंगे जो गुच्छों में विकेट लेते रहते हैं वही आप है, पेशावर जलमी को देखेंगे तो उनके टॉप ऑर्डर उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं देखेंगे जब से बाबर आजम आया है तब की बात मैं नहीं कर रहा बाबर आजम के आने से टीम को एक अलग ही बूस्ट मिला है क्योंकि बाबर आजम इससे पहले कराची में खेल रहे थे ठीक है कराची किंग्स के अंदर तो यहां पर अब जाके जो है टीम के हालात बदलेंगे लेकिन एज ऑफ नाउ जो निकल के आ रहा है वो यही के टॉप

इस तरीके से कुछ प्लेंग इलेवन दिखेगा आपको मुल्तान सुल्तान आजम देख सकते होने के, करने करने के लिए तैयार है अब मैं आपका ज्यादा मतलब बताता हुआ चलू कि कौन सी, आ, से आपको किस प्लेयर को लेकर चलने हैं सबसे पहले देखिए मुल्तान सुल्तान की टीम से आपको मोहम्मद रिजवान दिखेंगे और यहां पर पेशावर जलमी की टीम से मोहम्मद हारिस दिखेंगे अब यहां पर मुल्तान सुल्तान की टीम से मैक्सिमम लोग जो है मोहम्मद रिजवान के साथ विकेटकीपिंग से जा रहे हैं और नो डाउट आपको भी जाना चाहिए क्योंकि ये प्लेयर ही ऐसे है जिनको आप मिस आउट, लास्ट मैच में जो आउट हो गए थे अट्ठाईस रन ही बना पाए थे लेकिन बहुत ही कमाल के प्लेयर है। इनको मिस आउट अप नहीं कर सकते हो विकेट कीपिंग से इनको फिक्स लेकर जाइए वहीं बात करें पेशावर जलमी की टीम से किसे लेना है तो मोहम्मद हारिश यहां पर खेलते दिखेंगे अब मोहम्मद हारिश बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है बहुत Christian के साथ खेलना पसंद करते हैं ये जब टिक जाएंगे ना तो आपको बीस बॉल में ही मतलब है ना मोहम्मद आरिश के रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है और ये अभी हाल ही में लास्ट के पांच मैच को देखेंगे तो दो मैच में बड़ी पारी भी है एक मैच में भी है तो तब ये जीएल आपको काफी बढ़िया करके देंगे बैटिंग सेक्शन से अगर बात करूं तो बैटिंग सेक्शन से मुल्तान सुल्तान के चार प्लेयर खेलते देखेंगे और पेशावर जलमी की टीम से आपको चार प्लेयर खेलते दिखेंगे ऑलवेज इतना मान करके चलिए पाकिस्तान के जितने प्लेयर होते हैं ना वो पीएसएल में आपको काफी अच्छा करके देंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है सिमिलरली आईपीएल उसी तरीके से मैं यहाँ बात करूंगा मुल्तान की टीम से शान मसूद आपको खेलते दिखेंगे ओपनिंग अब शान मसूद लास्ट मैच में डक आ, मतलब डक नहीं बोल सकते तीन रन बना करके आउट हुए आउट हुए थे मतलब अनफॉर्चुनेटली ना ये प्लेयर बहुत कैलिबर वाले हैं इनको देखेंगे तो आ, ये भी ऑलवेज बहुत अच्छे परफॉर्मर है, रहे हैं हमेशा के लिए पीएसएल में भी इंटरनेशनल लेवल पर भी हालांकि लास्ट के पांच मैच से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एक मैच में वापसी भी करी थी लेकिन यह थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिख रहा है लेकिन ये कभी भी बैक करेंगे ये भी बिलो एवरेज चल रहा है तो अपने टीम के लिए काफी लंबा पारी खेल करके आपको दे सकते हैं जीएल

या इन्होंने खेल करके दी है डेविड मिलर की बात करेंगे अब डेविड मिलर अपना काम अभी तक नहीं कीओ बिलो एवरेज चल रहा है ये प्लेयर किलर मिलर कहे जाते हैं किसी सीरीज में इन्होंने अपना छाप छोराई है अभी हाल फिलहाल जितने सीरीज इन्होंने खेला आपने देखा होगा काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर रहे हैं इस सीरीज़ में भी इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और इनको रिसेंटली देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखेंगे सेकेंड लास्ट मैच में 25 तक गए थे टच में दिख रहे थे बट उतना अच्छा इंपैक्ट वाली पारी खेल करके नहीं दिए लास्ट मैच में इनका उतना अच्छा गया नहीं सो जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनको फिक्स लेकर के जाइए मुल्तान सुल्तान की टीम से अपनी टीम में और तब जाके ये बहुत अच्छा करके आपको देंगे किरण पुलाड को देखेंगे ना तो किरण पुलाड़ आई के बहुत टॉप परफॉर्मर रहे हुए हैं पी में भी इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं थर्ड लास्ट मैच में फिफ्टी का स्कोर करके आया हुआ है लेकिन अभी दो मैच इनका उतना अच्छा जा नहीं रहा है जब ये बैक करेंगे तो ये भी आपको अच्छा करेंगे लेकिन इनको सेकेंड की बैटिंग जब आए तभी ट्राई करना अदरवाइज यू कैन लीव वही हम पेशावर जलमी की टीम से बात करें किस प्लेयर को लेकर के चलना है सो so बाबर आजम जिनको नो डाउट आपको अपनी टीम में प्रेफर करके चलने चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड इनके नाम है पीएसएल के और रिसेंटली इन्होंने अपने आप को बैक भी किया अपने आप को इंप्रूव भी किया है जिस तरीके से इनका खराब फॉर्म चल रहा था चाहे मैं बात करूं एशिया कप के टाइम पे या फिर और भी सीरीज के टाइम पे पहले उस तरीके से इन्होंने अपने आप को इंप्रूव करा है और बहुत अच्छे टच में दिख रहे लास्ट के पांच मैच में देखेंगे ना तो चार मैच में अर्धशतकीय पारी है और उसमें भी अस्सी अड़सठ छियासठ उस तरीके की पारी है काफ़ी कमाल के प्लेयर है नो डाउट फिक्स लेकर के जाए इनको सीएनवीसी के सेफ चॉइस रहेंगे ये उसके बाद सैम अयूब की बात करें अब सैम अयूब अब इनको देखेंगे तो पीएसएल में तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मर ये दिखेंगे आपको तीन नंबर पे बैटिंग करने आते हैं अपनी टीम के लिए लेकिन रिसेंटली बिल्कुल टच में नहीं दिख रहा है आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और चूंकि तीन नंबर के बैट्समैन है तो रिस्क हो जाएगा ड्रॉप करना लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप इनको छोड़ करके चल सकते हैं यहाँ से वहीं टॉम कोहलर कैडमोर की बात करें तो ये गाइज ना ये काफ़ी कमाल की इनिंग खेल करके दी है नाइन्टी रन बनाया है उससे पहले तो ये करते दिख रहे थे उससे पहले एक मैच में फोर्टी सिक्स का स्कोर भी करा था बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है इंटरनेशनल लेवल के भी चार नंबर बैटिंग करने आते हैं आज इनको अपनी टीम में कंसिडर करिएगा लेकिन आ, पहले इनिंग की बैटिंग में कर सकते हैं और सी एनवीसी मत ट्राई करना इनको आ, हो सके तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हो लेकिन कैप्टनसी तो बिल्कुल भी मत देना भानुका राजपक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये भी बिल्कुल स्ट्रगल करते दिख रहे यहां से आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर तीन प्लेयर देखेंगे अब इस तीन प्लेयर में जो आपको मैंने आपको बताया है यहां ऊपर आपको स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो दो प्लेयर को लेकर के चलने कैसे लेने ये ये मैं आपको आपको बताता हूं। यहाँ से दो प्लेयर को को नहीं फिक्स फिक्स टीम में रखिए सबसे पहले तो तो खुशदिल शाह देखिए बहुत गजब के परफॉर्मर रहे हैं और चूंकि स्पिनर है तो ये देखिए खुशदिल शाह ना अगर पहले इनिंग में बैटिंग करने आते हैं और थोड़ा सा अगर लचक हो गया मुल्तान सुल्तान की टीम में बैटिंग ऑर्डर में तो जी में चूंकि बहुत कम लोग लेकर के जा रहे हैं और थोड़ा बहुत स्कोर भी कर दिया है ये दस से

में एक मैच में मतलब के जिग वाला इनका सीन बन गया है एक मैच में विकेट ले पा रहे हैं अगले मैच में नहीं ले पा रहे तो लास्ट मैच में इन्होंने विकेट नहीं निकाला था यह मैच इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप पेशावर जलमी की टीम से टॉप ऑर्डर को कैप्टेंसी देप्टेंसी जरूर ट्राई करके चलना क्योंकि बैटिंग से भी आपको बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं किसी भी सीरीज के बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं थ्री हंड्रेड हंड्रेड रन मैचेस इन्होंने खेल रखा है अब तक डोमेस्टिक लेवल का काफी अच्छे पिक रहेंगे यहां से जिमी निशाम की अगर मैं बात करूं तो जिमी निशाम सेकेंड बॉलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट

कर रहे हैं इनकी जगह एक बॉलर को ट्राई करके चलिए क्योंकि वो आपको इनसे ज्यादा ही पॉइंट देकर जाएंगे इनसे कम पॉइंट देकर जाएंगे नहीं अगर एक विकेट भी ले लिया तो उसी तरीके से बॉलिंग वाले सेक्शन में देखिए तो आपको ना नौ प्लेयर खेलते दिखेंगे अब यहां से बड़े आपको चार प्लेयर को अपनी टीम में पिक करने ही है कैसे करने हैं मैं बताता हूँ मुल्तान सुल्तान की टीम में देखिए अकील हुसैन उसामा मीर समीन गुल अब्बास अबरीदी उसके बाद बादसानुल्ला दिखेंगे अब एहसानुल्ला तो अपना काम कर गए मैं बताता हूँ शुरुआत से अकील हुसैन की बात करेंगे अब ये एक स्पिनर है और ये बहुत सीनियर स्पिनर है बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे लेकिन लास्ट के पाँच मैच में देखेंगे तो ये उस तरीके के परफॉर्मर नहीं बन के निकल के आ रहे हैं जिस तरीके के ये है तो ये कभी भी बैक करेंगे पी के अंदर ये आपको गुच्छों में विकेट निकाल करके देंगे इनको सेकेंड बॉलिंग में ट्राई करेगा क्योंकि पहले नहीं की बॉलिंग में अगर आप ट्राई करते हैं तो क्या होगा पेशावर जलमी की टीम इनको रोक रोक कर खेलने की ट्राई करेंगे लेकिन सेकंड बॉलिंग में चेज करने का टारगेट रहेगा और तब इनको हिट किया जाएगा और तब इनके विकेट मिलने के सुल्तान की टीम में उसामा मीर की अगर मैं बात करूं एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल फिलहाल बहुत अच्छे परफॉर्मेंस निकाले हैं लास्ट के पांच मैच में अगर इनको देखे तो इन्होंने लगभग सात विकेट निकाले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है पहले इनिंग की बॉलिंग में डेफिनेटली से कंसिडर करके चलिएगा उसी तरीके से समीन गुल की बात करें तो समीन गुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखें तो पी में अच्छे खास रिकॉर्ड है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे या फिर डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें तो उस तरीके से निकल के नहीं आ रहा है अगर इनको देखेंगे तो लास्ट के पाँच मैच में चार विकेट इन्होंने भी निकाले हैं लास्ट मैच में दो विकेट इनके नाम था तो आप क्या करें समीन गुल को और अब्बास अफरीदी को इन दोनों को डिफरेंशियल ज़रूर ट्राई करके चलना क्योंकि अब्बास अफरीदी भी दैट काइंड ऑफ प्लेयर है इनको भी देखेंगे तो ये भी आप दोनों ये दोनों ही प्लेसर आपको दिख जाएंगे और लास्ट मैच में ये भी दो विकेट निकाले थे और पी में इनके भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस है तो इन दोनों को डिफरेंशियल ट्राई करके चले ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना अब्बास अफरीदी को तवज्जो दे रादर देन क्या आप समीन गुल को दे एहसानुल्लाह की बात करें तो यार एहसानुल्लाह ना एक ऐसे खिलाड़ी जिनको लास्ट के पाँच मैच में देखें बहुत कमाल के परफॉर्मेंस निकल के रहे हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं पीएसएल के काफी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं शुरू से ही इनको अपनी टीम में कंसीडर करिए करीग, करिएगा ही करिएगा सेकंड बॉलिंग में इनको रख करिएगा क्योंकि मैंने जैसा पता है पहले बॉलिंग में अगर करते हैं सारे प्लेयर को पता है अच्छे विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं तो इनको रोक रोक कर खेलने की कोशिश करेंगे सेकेंड बॉलिंग में चेज करने का टारगेट रहेगा देन ये पिक कर सकते हैं लास्ट मैच में जो विकेट निकाले ना ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है एंड सैल्यूटेबल है पांच विकेट टी फॉर्मेट में बहुत बड़ा विकेट होता है और पांच विकेट इन्होंने निकाले हैं इनको आप अपनी टीम में लेकर के जाइएगा लेकिन सी सी बट ट्राई करेगा ड्रीम टीम में तो ये डेफिनेटली रहने वाले हैं अब बात करें पेशावर जलमी की टीम से किस प्लेयर को लेने हैं तो सबसे पहले वहाब वहाब रियाज रियाज पर आएंगे वहाँ रियाज जिनको रिसेंटली अगर देखें तो काफी अच्छे टच में दिख रहा है रहे है गुच्छों में विकेट लेने की कला है इनके अंदर आप इनको पहले बॉलिंग में जरूर ट्राई करके चलिएगा उसी के बाद पर खुर्रम शहजाद आपको दिखेंगे और उसके बाद यहां पर गई सलमान इर्शाद दिखेंगे अब खुर्रम शहजाद और सलमान इर्शाद को अगर आप देखें ना ये दोनों सेम काइंड ऑफ प्लेयर है हालांकि खुर्रम शहजाद जो है लास्ट दो मैच से विकेट रहे हैं लेकिन इनके चांसेस है कि ये विकेट निकाल करके आपको दे सके सो सलमान इरशाद के साथ में इनको डिफरेंशियल ट्राई करना आप किसी भी एक प्लेयर को ले सकते हैं सलमान इरशाद भी दैट काइंड ऑफ प्लेयर है जी के लिए काफ़ी बढ़िया ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पहले इनकी बॉलिंग में आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं so, सुफियान मुकीम की बात अगर मैं करूँ तो स्लो लेफ्ट आर मोर्थोडेस्क बॉलर है ये सेकेंड बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उसका रीज़न भी है क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको टारगेट किया जा सकता है मुल्तान सुल्तान की टीम से क्योंकि किसी न किसी बॉलर को तो टारगेट किया जाएगा और मुझे लगता है यही वो खिलाड़ी है जिनको वो टारगेट करेंगे और तब जाके इनके विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे सेकंड बॉलिंग में क्योंकि का मामला रहेगा तब इनको काफी अच्छे से धुलाई करने की कोशिश करी जाएगी और जब जिस बॉलर को टारगेट किया जाता है वो विकेट लेने में उनके ही चांसेस बढ़ते हैं कि कि वो विकेट ले पाए आई होप आपको बॉलिंग सेक्शन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपके कोई डाउट रहते है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा अब मैं चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं मैंने आपको सेक्शन वाइज फिक्स प्लेयर बता तो दिए ही है अब मैं आपको बताता हूं ग्रैंड लीग में किस प्लेयर को आपको पिक करने चाहिए कम से कम दो से तीन और कैप्टन वाइस कैप्टन आज आपको किसे बना करके चलना है जो सेफ भी हो रिस्क इसकी भी हो और ग्रैंड लीग में आपको रैंक भी करवा के दे सके आज बात करेंगे बहुत तरह के कंफ्यूजन होंगे आज इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं कि आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा किसे कैप्टन बनाए किसे ना बनाए उसकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जीएल पिक की बात करेंगे डेविड मिलर उस्मान कादिर उसामा मीर अब्बास अफरीदी खुशदिल शाह और अकील हुसैन इनको जीएल में जरूर ट्राई करेगा यहां से क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी जिनके पास अपॉर्चुनिटी भरपूर है और ये कभी भी बैक करके आपको दे सकते हैं ये ऐसे खिलाड़ी और कभी भी विकेट्स निकाल करके दे सकते हैं इसीलिए आप इनको जीएल में डेफिनेटली ट्राई करेगा यहाँ से दो या तीन प्लेयर उसके बाद बात करें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसे बना करके चलना है कैप्टन वॉइस कैप्टन में गाइज मोहम्मद रिजवान को ट्राई करिए मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम हो गया शान मसूद हो गया डेविड मिलर हो गया अकील हुसैन या फिर उसामा मीर इनको ट्राई करिए और उस्मान कादिर को इनको सी जरूर ट्राई करके चलिएगा आप कैसे ट्राई करना है मी क्लियर फर्स्ट यहां पर देखिए पेशावर जलमी अगर पहले बैटिंग करे तो आपको बाबर आजम के साथ में मोहम्मद हारिस को ट्राई करना है बाबर आज़म के साथ में उस्मान कादिर को ट्राई करना है और मोहम्मद हारिस के साथ में मुहाव रियाज को ट्राई करके चलना है वहीं पर पेशावर जलमी की टीम पहले बॉलिंग करे तो आपको सी एन वी सी कॉम्बिनेशन में मोहम्मद रिजवान के साथ अकील हुसैन को ट्राई करना है शाह मसूद के साथ में खुशदिल शाह को ट्राई करना है और मोहम्मद रिजवान के साथ में उसामा मीर को ट्राई करके चलना है ये कॉम्बिनेशन आपको परफेक्टली लेकर के चलना है अपनी टीम में और सी एन वी सी के तौर पर अब मैं बताता हूँ आपको कि किससे किस वो दो खिलाड़ी को अपनी टीम में एक साथ आपको ट्राई करके नहीं चलना है। वो कौन से दो खिलाड़ी है और ये सेक्शन कुछ यहां पे कॉमेंट्स पढ़ रहा था मैं इस सेक्शन को आप है ना मतलब कि थोड़ा बहुत एलाबोरेट कर दिया करें या फिर इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टच नहीं कर पाती है ये मैंने पढ़ा था एक भाई का और मेरे लिए हर एक कमेंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं मेंशन भी करता हूँ कि आपको जहाँ भी इशू आ रहा है ना किसी भी चीज़ से दिक्कत आ रही है आप हमसे शेयर करिए ना हम उस पर काम करेंगे हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे है ना आखिरकार ऐट द एंड हम भी इंसान है हम कोशिश कर रहे हैं हम अपना बेस्ट दें एक अपना दे मैं पूरी कोशिश करता हूँ तो वो चीज़ें मैं इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ये बहुत ही लॉजिकली मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये दो प्लेयर एक साथ आप नहीं ले क्योंकि वो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज होते हैं कि यहां से वो प्लेयर ना आए दो साथ एक साथ साथ एक 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 टीम में इसीलिए मैं ये बताते रहता हूं वहीं पर दिल हो गए यार पे और एस इनको एक साथ एस इनको मत ट्राई करिए गुल को अबासूब को को अबास को मत ट्राई करिए एस अयूब मोहम्मद हारिश को मत ट्राई करिए टॉम कैडमोर को और भानुका राजपक्ष को मत ट्राई करिए शान मसूद को और किरण पोलाड को मत ट्राई करिए अगर आपको इनमें लगे ना कि कोई प्लेयर जिनको मैंने बताया है तो आप लॉजिक एक्सप्लेन जरूर करना कॉमेंट सेक्शन में कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है देखिए अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है लेकिन लॉजिक के बेस पे अगर आप पहले चीजें बताते हैं क्योंकि यहां पे हम जो है ना प्रिडिक्शन कम और लॉजिक आपको ज्यादा बताते हैं यहां पर एस्ट्रोलॉजी कम करते हैं हम हम आपको कोशिश करते हैं लॉजिक दे कि ये ऐसा हो सकता है और यही रीजन है कि हमने ओपिनियन का ऑप्शन इस वीडियो में डाला है हर वीडियो में डाला है कि आप भी थोड़ा सा सोचो कि क्या पॉसिबिलिटीज है एंडलेस है तो होती है पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें करना सीख गया ना जी आपके झोली में रहेगा मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की आप ये करना शुरू कर दो बस मैं मिलूंगा आपसे से किसी लॉजिकल वीडियो में फिलहाल वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना स्टे एंड बाय